हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम आपकी बेनिफिट के लिए एक जॉब सीरीज चला रहे हैं, तो उसी के अंतर्गत ये जॉब है CSIR, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे में। ठीक है, डिवीजन का नाम है बायोकेमिकल साइंसेस। ठीक है, बात कर लेते हैं जॉब पोजीशन की। जॉब का नाम होगा प्रोजेक्ट एसोसिएट वन। ये एक टेम्प्रेरी जॉब होगी, मतलब ये परमानेंट जॉब नहीं होगी। आपके मतलब आपके प्रोग्रेस के अकॉर्डिंग ये डिसाइड करेगा कि इस जॉब को आगे एक्सटेंड किया जाएगा कि नहीं। ठीक है, तो टाइटल का नाम जैसे मैंने बता ही दिया, प्रोजेक्ट एसोसिएट वन। जो स्पॉन्सर एजेंसी है वो है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, BTD। ठीक है, प्रोजेक्ट कोड ये रहा। ये कोड आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि कोड आपको जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे उसमें ये हेल्प करेगा। ठीक है, जब फिर पोस्ट का नाम फिर वही प्रोजेक्ट एसोसिएट वन, इसके अंदर एक पोजीशन है। अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन, क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो कैंडिडेट विथ बोथ MSc एंड MTech। MSc भी चलेगा, MTech भी चलेगा, किसमें? माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, यानी लाइफ साइंस से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट। इसमें जूलॉजी और बॉटनी भी एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। साथ ही साथ आप आपके जो पोस्ट ग्रेजुएशन में मार्क्स होने चाहिए 55% एग्रीगेट होने चाहिए। ठीक है, बात कर लेते हैं डिजायरेबल एक्सपीरियंस। डिजायरेबल एक्सपीरियंस का मतलब होता है कि ये इसेंशियल नहीं है। अगर आपके पास ऐसा एक्सपीरियंस है तो एक एडेड एडवांटेज होगा। तो इसमें आपके पास अगर माइक्रोबायोलॉजी टेक्निक्स, मॉलिकुलर बायोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स में कोई डिजायरेबल एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है। साथ ही साथ अगर आप नेट गेट क्वालिफिकेशन है तो भी डिजायर्ड है, ऐसा कोई इसेंशियल नहीं है। एज लिमिट इसमें 35 होगी। अब बात करते हैं जॉब रिक्वायरमेंट की, मतलब इसमें अंतर्गत आपको करना क्या होगा। आपको डेवलपमेंट एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ SDNA एप्टमर्स, मतलब सिंगल स्टैंडर्ड DNA एप्टमर्स के डेवलपमेंट और उनकी कैरेक्टराइजेशन करनी होगी। कुछ इम्यूनो ऐसे परफॉर्म करने होंगे, एलाइजा परफॉर्म करना होगा, और साथ ही साथ आपको ये चेक करना पड़ेगा कि जो आपने एप्टमर डेवलप किए हैं वो वेरियस फूड टॉक्सिन्स को डिटेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं। तो बेसिकली ये जो फूड में जो टॉक्सिन्स पाए जाते हैं उनको डिटेक्ट उनके डिटेक्शन का काम होगा। ठीक है, इसमें सैलरी सैलरी आपको 25,000 पर मंथ मिलेगी। ठीक है, इसमें फिर नीचे उन्होंने बताया, जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि ये इनिशियली जॉब आपकी 6 मंथ्स की होगी, टेम्प्रोरी पोजिशन है, और आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से डिसाइड होगा कि इसको आगे बढ़ाया जाएगा कि नहीं। CSIR NCL के पास पूरा राइट होगा कि वही डिसाइड करेंगे कि आपके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग इसको 6 मंथ के आगे बढ़ाना है कि नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। लिंक दिया है, ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और साथ ही साथ आपको अभी अप्लाई करके बता भी दूंगा। ठीक है, तो आपके पास एक वैलिड ईमेल होना चाहिए। और दूसरी बात, 0.6 टन से मत। कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि उनका फोटो अपलोड नहीं हो रहा, सिग्नेचर अपलोड नहीं हो रहा। क्यों नहीं होता? क्योंकि उन्होंने कुछ फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के कुछ क्राइटेरिया दे रखी है। देखिए, दो क्राइटेरिया दे रही है। जो आपका फोटोग्राफ होना चाहिए वो या तो JPG और JPEG फॉर्मेट पे होना चाहिए, ना TIF और GIF नहीं चलेगा, ना ही PNG चलेगा। आपका जो फोटो होना चाहिए सिर्फ JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। साथ ही साथ उसकी साइज, जो फोटो अगर फोटो की साइज होनी चाहिए 50 KB से कम होनी चाहिए, और जो सिग्नेचर की साइज होनी चाहिए वो 25 KB से कम होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ आपको अपनी मार्कशीट्स वगैरह की स्कैन कॉपी रेडी रखनी पड़ेगी, रीडेबल, मतलब कि ब्लर ना हो, उसको आसानी से रीड किया जा सके। ठीक है, इनकी आपको PDF फाइल्स तैयार रखनी पड़ेंगी। ठीक है, इसकी लास्ट डेट 28 सितंबर है। लेट करेंगे तो आप वो कंसिडर नहीं करेंगे। फिर उन्होंने बताया कि जैसे कि सिर्फ मिनिमम क्वालिफिकेशन अगर पास है तो ये जरूरी नहीं होगा कि आप इंटरव्यू के लिए स्क्रीन आउट होना हो या ना हो, क्योंकि उन्होंने बताया कि उनके पास बहुत सारे अगर एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं तो एक स्क्रीनिंग कमेटी बनेगी, वो स्क्रीन करेगी कि कौन कौन से कैंडिडेट्स आगे इंटरव्यू के लिए अपियर होंगे कि नहीं। ठीक है, जो कैंडिडेट्स अपियर होंगे उनकी डिटेल्स जो है 30 सितंबर तक ऑनलाइन आ जाएगी। अगर साथ ही साथ आप इस दिए गए ईमेल एड्रेस पे मेल करके पता लगा सकते हैं कि आप स्क्रीन हुए हैं कि नहीं। ठीक है, जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होगा उनका ऑनलाइन इंटरव्यू होगा, आप कहीं जाने की जरूरत नहीं है। किसके थ्रू? माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, गूगल मीट के थ्रू होगा, 1 सितंबर 10 AM को। ठीक है, आपको लिंक जो है उसका दे दिया जाएगा।
कोई इंटरव्यू कॉल लेटर नहीं आएगा, ना ही कोई टीए और डीए दी जाएगी। ठीक है, तो एक बार फिर समरी बता देता हूँ। इस पोस्ट का नाम है प्रोजेक्ट एसोसिएट वन एनसीएल पुणे। ठीक है, इसमें अगर आपके पास एमएससी एंड एमटेक है, माइक्रोबायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी मतलब लाइफ साइंस रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट, जूलॉजी बॉटनी बायोटेक्नोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी बायोकेमिस्ट्री बायोइन्फॉर्मेटिक्स कोई भी सब्जेक्ट, और प्लस 55% मार्क्स। ठीक है, इसमें आपको एज लिमिट 35 होनी चाहिए और जो सैलरी होगी वो 25,000 होगी। ठीक है, अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई आपको इस लिंक पे जाना है, ये लिंक मैं अभी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो आपको आप इसको लिंक पे जाना है, इस लिंक पे गए। ठीक है, आप जैसे उधर देखा होगा कि मैंने प्रोजेक्ट कोड बताया होगा, प्रोजेक्ट कोड ये रहा, तो आपको उसी प्रोजेक्ट कोड पे अप्लाई करना है। देखिए ये रहा, ये रहा आपका प्रोजेक्ट कोड, यहाँ से आपको अप्लाई करना है। ठीक है, अगर आपने अभी तक ईमेल पासवर्ड अगर इनसे पुणे में कहीं बनाया तो सही है, आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से डायरेक्टली जाके न्यू रजिस्ट्रेशन करके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो होप आपकी सारी क्वेरीज क्लियर हो गई हों। अगर आप कोई भी क्वेरी रहती है तो फील फ्री टू ड्रॉप इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, आगे भी नए नए जॉब अपडेट्स के लिए। थैंक यू, बाय बाय।